हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज है 8 फरवरी और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का, तो बस जस्ट मैं अभी नहाकर आई हूँ और यहाँ पर मैं चोटी वगैरह कर रही हूँ, तैयार हो रही हूँ और उसके बाद मैं जाऊँगी छत पर। और कल है मेरे देवर की मैरिज, तो आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम है वो है तेल और मंडप का, गणेश पूजन हवन वगैरह जो है आज ही किया जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं छत पर आ गई हूँ रेडी होने के बाद और निकाल रही हूँ ब्रेकफास्ट, ये मार्केट से लेकर आए हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला मॉर्निंग से, हम लोग बिजी थे ब्रेकफास्ट बनाने का, तो ये बोल रहे थे कि मैं बाहर से ले आऊँगा, तो बस वही ये समोसे और बेड़ी वगैरह लेकर आए हैं, उन्हीं को मैं निकाल रही हूँ और आपको भी दिखा रही हूँ साथ ही साथ। मैंने आप लोगों को बताया ही था कि हमारे यहाँ जो खाने का अरेंजमेंट है अब वो छत पर ही होगा, तो सब जो है छत पर ही आ चुका है खाने पीने के आइटम। और आज से जो है हमारे आंटी वगैरह आएंगी बाहर से खाना बनाने के लिए, तो खाना वगैरह हम लोगों को नहीं बनाना है, बस ये ब्रेकफास्ट वगैरह निकालने के बाद और ऊपरी जो भी काम होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। काफ़ी तैयारी होती है क्योंकि हमारे जो रिलेटिव हैं वो भी आज ही आएंगे सभी लोग, बस घर घर के लोग ही हैं अभी, हम बाहर से अभी कोई नहीं आया है, तो सब लोग जो है दिन की गाड़ी से आ जाएंगे। डाल दो, खा लेना, तुझे नहीं खाना तू मत डाल। यहाँ पर साथ में मेरी भांजी भी बैठी हुई है और उसने जो है कल ही मेहंदी लगा ली थी, तो आप उसके हाथ में देख सकते हैं मेहंदी लगी हुई है। और समोसे रखने के बाद वो यहाँ पर डाल रही है इसमें आलू की सब्ज़ी जो कि साथ में आती है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके साथ ही हम लोगों को समोसे खाना पसंद है। और उसने जो है अपने लिए नहीं डाली थी, साथ में है ये है जलेबी और बाकी ये सब जो है सब्जी वगैरह अभी लेकर आए हैं भैया और ये दोनों जाकर। तो बस ये आटा वगैरह भी गून दिया है, जो आंटी वगैरह हैं वो आ चुकी हैं। तो आज खाने में उन्होंने बनाई है आलू मटर की सब्जी, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये सब्जी बन चुकी है और ये काफ़ी क्वांटिटी में बनाई है बिकॉज़ आज सारे जो रिलेटिव हैं वो आएंगे और साथ में बनेंगी गर्मा गर्म पूरियाँ। तो बस यहाँ पर ये पूरियाँ फ्राई कर रही हैं और पहले जो भी रिलेटिव वगैरह आए हैं आ चुके हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी, तो क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है तो उन सबको पहले खाना खिलाया जाएगा और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो गर्मा गर्म पूरियों के साथ आलू मटर की सब्जी इंजॉय करेंगे। तो मैं अपना जो खाना है वो रूम में लेकर आ चुकी हूँ, तो हम दोनों ही साथ में बैठकर खा रहे हैं क्योंकि हमारी आदत है कि हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पर भी मैं जो है प्लेट लगा कर ले आई हूँ और बस खाना खा रहे हैं और काफ़ी सारी बातें होती हैं, वो हम लोग बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। और खाना खाने के बाद मैं फिर से जाऊँगी छत पर क्योंकि काफ़ी सारे काम हैं तो उनको भी देखना है और मुझे मार्केट भी जाना है अपने लिए कुछ सामान लेने के लिए, और मम्मी को भी कुछ पूजा का सामान वगैरह मंगवाना है जो कि रह गया है। वैसे तो सारा सामान आ चुका है, तो मैं जाऊंगी अपनी ननंद के साथ क्योंकि इनको भी काफ़ी काम है, तो बस मैं अपनी ननंद के साथ मार्केट जाऊंगी। उसके बाद इवनिंग में हमारे यहाँ जो हवन पूजन वगैरह होगा वो सब होगा, तो चलिए मैं जो है खाना एंजॉय कर लेती हूँ। और किस किस को आलू मटर की सब्जी के साथ पूरियाँ पसंद है ज़रूर बताइएगा मुझे। और हरी मिर्च भी फ्राई की थी तो वो भी लेकर आई हूँ, उससे जो है ना खाने का स्वाद और भी बढ़ गया है। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और मार्केट से आने के बाद मैं तुरंत रेडी हुई और रेडी होने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ छत पर क्योंकि यहाँ पर हवन होगा और इसमें मैं और मेरे हस्बैंड बैठेंगे। तो इस टाइम जब ये बेदी वगैरह बनाई गई तब मैं घर पर नहीं थी और रेडी हो रही थी मैं, तो इसलिए आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो हमारे यहाँ जो है इस तरह से बेदी बनाई जाती है और बस अब हम लोग जो है करेंगे पूजा। तो बस हम लोग यहाँ पर जो है कर रहे हैं हवन और पंडित जी हमको बताते जा रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है, तो बस हम दोनों वही कर रहे हैं। और मेरे जस्ट पीछे बैठी हुई हैं मेरी ननंद, मेरी एक ही ननंद है जो कि सबसे बड़ी हैं चारों भाइयों में, तो बस ये बैठी हुई हैं।
और इस हवन में बैठते तो वैसे मम्मी पापा हैं, लेकिन मम्मी पापा का कहना था कि हम अपने बड़े बेटे और बहू को बैठाएंगे, तो इसीलिए हम दोनों यहाँ पर बैठकर पूजा कर रहे हैं। और बस अब जो है हवन वगैरह होगा, उसके बाद होगी आरती। देश हरे बेकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे धन 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 सर्व कुछ धन बलि की जय सभी देवती देवताओं की जय गुरु महाराज की जय का क्षेम करता क्षेम शांति करता पर दे भव थालिया देवाना भद्रा कृतु जयंत बेताय नमः। भैया आप लोग पहले आरती करो। पूजा वगैरह हो चुकी है जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, तो हमारे यहाँ इस तरह से एक दिन पहले मैरिज के हवन वगैरह होता है तेल और मंडप वाले दिन। और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे अपने रूम में, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सी साड़ी पहनी है, अपना पूरा लुक तो आप लोग देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अपना पूरा लुक, और मैंने बैंगल्स चेंज नहीं की थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो पूजा में बैठना था और मैं काफ़ी जल्दी जल्दी रेडी हुई थी क्योंकि पंडित जी बुला रहे थे, और मैंने बैंगल्स भी चेंज नहीं कर पाई थी इस वजह से। तो अब मैं यहाँ पर आराम से बैठकर बैंगल्स चेंज कर रही हूँ, मैं वही पहने हुई थी, अब मैं साड़ी की मैचिंग की बैंगल्स पहन रही हूँ। मैं घर से सारी साड़ियों की मैचिंग की बैंगल्स लेकर आई थी, आपसे बोल रही थी लेकिन फिर मैंने रख ली थी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेट, और बैंगल्स भी मैं काफ़ी जल्दबाजी में पहन रही हूँ क्योंकि अब हम लोग जाएंगे माता रानी के मंदिर, क्योंकि आज माता रानी की जो है पूजा की जाएगी। जो मैंने आप लोगों को कल बताया था जो हमारे यहाँ पापड़ी वगैरह बनाई गई थी, तो वो आज उनको चढ़ाई जाएंगी, उसके बाद सभी लोगों को बांटी जाएंगी। और मैरिज से एक दिन पहले हमारे यहाँ जो है माता रानी की पूजा करने के लिए ज़रूर जाया जाता है, इसे माता पूजन बोलते हैं। तो माता रानी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत भगवान के दर्शन से ही होती है। आज भी जाएंगे और कल भी जाएंगे, तो आज सारी जो लेडीज़ वगैरह हैं वो जाएंगी और कल भैया जाएंगे रेडी होने के बाद उनके दर्शन करने के लिए, उसके बाद ही जो है वो बारात में जाएंगे मीन्स घोड़ी चढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो बैंगल्स है फटाफट मैं पहन रही हूँ, एक हाथ का मैंने सेट बना लिया है, टाइम ही नहीं मिला था सेट बनाने का भी मुझे, तो बस यहाँ मैं बस बना लिया है और ये मैंने पहन ली है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसी तरह से दूसरे हाथ की चूड़ियाँ भी मैं पहन लूँगी। तो हमारे यहाँ शादी जो है किस तरह से होती है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और किसके यहाँ हमारे जैसे होते हैं ज़रूर बताइएगा। तो चूड़ियाँ वगैरह पहनने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ, और यहाँ पर ये है मेरी मदर इन लॉ जो कि रख रही है पूजा का सामान, और ये येलो साड़ी में बैठी हुई हैं मेरी ननंद। तो ये सब जो है पूजा का सामान रख रहे हैं, और सामान वगैरह लगाने के बाद सब लोग मंदिर जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है इस तरह से लेट कर माथा टेक रही हूँ। तो हमारे यहाँ जब भी माता रानी के मंदिर में जाया जाता है मैरिज से एक दिन पहले माता पूजन के लिए, तो इसी तरह से जो लेडीज होती हैं वो जाती हैं दर्शन करने के लिए।
तो बस अभी हम सब लोग जा रहे हैं मंदिर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगी, सो नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये घर के मैरिज ब्लॉग देखकर कैसा लग रहा है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।